हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 11 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भोजपुर क्षेत्र में निम्नलिखित नहर की अस्थायी परियोजना के लिए मंजूरी दे दी है। तो इसमें आंसर आएगा सोन नहर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्मार्ट सिटी इंटर्नशिप कार्यक्रम और स्मार्ट सिटीज डिजिटल पेमेंट अवार्ड्स 2018 के तहत पायलट आधार पर कितने शहरों में लागू किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा 25 शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पश्चिम रेलवे का डिवीजन से पहली बार डबल स्टैक बोना कंटेनर सेवा पेश की, या किस पश्चिमी रेलवे के डिवीजन से पेश की है? तो इसमें आंसर आएगा राजकोट से। और डबल स्टैक डफार्ड कंटेनर सेवा का उद्देश्य घरेलू कार्गो के लिए नए डिलीवरी मॉडल के जरिए यातायात के उस स्तर को फिर से हासिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो इसमें आंसर आएगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत। रसायन और उर्वरक और संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार कौशल और तकनीकी सहायता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने तुर्की के मेरसिन में FIG आर्टिस्टिक जिमनास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो इसमें आंसर आएगा वॉल्ट इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सरकार ने करीब 77,000 वरिष्ठ नागरिकों को हर साल मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने की योजना को मंजूरी दे दी है? तो इसमें आंसर आएगा दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान के सहयोग से स्थापित देश के पहले ड्रोन एप्लीकेशन अनुसंधान केंद्र और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसमें आंसर आएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने दो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 एंड PAKTS-1A सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं, यह किस देश से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा यह पाकिस्तान से संबंधित है। चीन ने अपने लॉन्ग मार्च 2C प्रशिक्षण स्थल से पाकिस्तान के लिए एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 समेत दो पाकिस्तानी सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर में सब्सिडी वाली जमीन पर बने निजी अस्पतालों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का मुफ्त इलाज करने के हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा? तो इसमें आंसर आएगा दिल्ली शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3 शतक लगाने वाले पहले भारतीय और विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं? तो इसमें आंसर आएगा सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट संस्थानों की सूची में किस सरकारी संस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें आंसर आएगा IIT बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी उत्कृष्ट संस्थानों की सूची में किस संस्थान को निजी सेक्टर के संस्थानों में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें आंसर आएगा रिलायंस जियो इंस्टीट्यूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण कोरिया ने हाल ही में कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो इसमें आंसर आएगा, केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री किम ह्यूंग चांग ने दिल्ली में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस स्थान के लिए कहा कि इसमें स्थित मस्जिद में बाहरी व्यक्तियों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है? तो इसमें आंसर आएगा ताजमहल में स्थित मस्जिद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में उस गुफा का क्या नाम है जहां फंसे 12 बच्चों और उनके कोच को निकालने का अभियान चलाया जा रहा है? तो इसमें आंसर आएगा थाम लुआंग गुफा से, और इनमें से कुछ बच्चे निकाले जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के विदेश मंत्री का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसमें आंसर आएगा बोरिस जॉनसन ने। और अभी हाल ही में ब्रेग्जिट के मंत्री
डेविड डेविस ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यहूदी समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया है? तो इसमें आंसर आएगा गुजरात सरकार ने। और इस फैसले के बाद यहूदी समुदाय के लोगों को राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तैयार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DIPP ने आसान कारोबार वाले राज्यों की रैंकिंग जारी की है, इसमें किस राज्य को पहला स्थान मिला? तो इसमें आंसर आएगा, इसमें आंध्र प्रदेश राज्य को पहला स्थान मिला, वहीं दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय इतिहास में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले एम वेंकैया नायडू पहले सभापति बन गए हैं, यह समझौता किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा, यह रवांडा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन विकास बैंक ने हाल ही में सोन नदी परियोजना के लिए $352 मिलियन का मंजूरी प्रदान किया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा, यह बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा बेंगलोर मेट्रो के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई? तो इसमें आंसर आएगा, इन्फोसिस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयर आई क्वेश्चंस रिफ्लेक्शन ऑन कंटेम्परेरी चैलेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसमें आंसर आएगा, हामिद अंसारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा फॉर्मेलिन का संबंध किससे है? तो इसमें आंसर आएगा, फॉर्मेलिन एक कैंसर कारक रसायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द किस कोशेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया जिसकी लेखिका है? तो इसमें आंसर आएगा, इसकी लेखिका हेलेन होवांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा दो नई योजनाओं ISCF एंड ISCI की शुरुआत की गई? तो इसमें आंसर आएगा, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार के विरोध में किस नए साहित्य पुरस्कार का गठन किया गया? तो इसमें आंसर आएगा, द न्यू अकेडमी द्वारा। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मुरुदुमलाई टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया। मुरुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार टॉप 25 सबसे ताकतवर देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपके ऑप्शंस हैं 13वां, 14वां, 15वां और 16वां। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स। और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।